पाकिस्तान द्वारा यूएनओ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कश्मीर से बहू लाने के बयान को पेश किया गया। इस पर अम्बाला सिटी के विधायक असीम गोयल ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष ने इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, जबकि उन्होंने कहा था कि अब कश्मीर में रोटी व बेटी का संबंध हो गया है। असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की बी टीम है जो उन्हें यहाँ से मुद्दे उठाकर दे रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात की, अगर उनका पूरा भाषण किसी ने सुना होगा तो वो बात वहीं पे समाप्त कर देता, लेकिन एक कुछ साथियों की आदत होती है कि इस बात को हवा देना। विपक्ष ने उसको एकदम से लपेटे में लिया। देखिए, ये एक उन्हें संबंध में बात कही थी कि पहले हमारा रोटी बेटी का रिश्ता कश्मीर से नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एक स्पेशल धाराएं लगी हुई थी। विशेष धाराओं की वजह से हमारे ना हम लोगों को हक था कि हम वहाँ जाके रिश्ता कर सकते थे या जमीन ले सकते थे, ना उन लोगों को हक था। उनके विशेष अधिकार खत्म होते थे। अगर वहाँ की कोई बेटी यहाँ आकर ब्याह दी जाती थी तो उस बेटी के अधिकार खत्म हो जाते थे। तो केवल उन्होंने इतनी बात इस संबंध में कही थी कि अब तो कश्मीर एक हो गया है, भारत का हिस्सा बन गया है, हम रोटी बेटी का संबंध कश्मीर से भी रख सकते हैं। उनकी बात को बिल्कुल गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, और जब वो पूरे सबूत हैं, उनका पूरा जो भाषण सुनेगा वो अपने आप इस बात को सही ठहराएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान की जो बी टीम है वो कांग्रेस है। कांग्रेस खुद मुद्दे उठा उठा के पाकिस्तान को दे रही है। कांग्रेस केवल अपने राजनीतिक सर्वाइवल के कारण भारत को पूरे को दांव पे लगा सकती है। और मेरा कहना है कि पाकिस्तान की बी टीम के नाते यहाँ राहुल गांधी की टीम काम कर रही है। ये जो मुद्दा जिसका आधार ही नहीं बनता, हमारा विपक्ष उठाएगा तो पाकिस्तान को तो आज मुद्दों की जरूरत है। वो तो अकेला पड़ा हुआ, अलग थलग पड़ा हुआ है विश्व के मानचित्र के ऊपर, पटल के ऊपर। आदरणीय मोदी जी ने ऐसी विदेश नीति के तरीके से उसको घेरा है, ऐसी कूटनीति के तरीके से उसको घेरा है कि आज पाकिस्तान का कोई साथी नहीं है। वो तो हमारे विपक्ष को ही अपना साथी बनाकर भारत की सरकार को घेरना चाहता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।